हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। आइए आज हम लोग क्लास नाइन्थ की एक पोम अ लेजेंड ऑन द नॉर्थलैंड। पोएम बड़ी है, जो बैलेड है, 16 स्टेंजा में है। तो हम लोगों ने इसकी समरी हिंदी में एक बार पढ़ा था और 4 स्टेंजा का स्टडी किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर पहले उसको पढ़ लीजिए। और ये 4 स्टेंजा का स्टडी हम लोग इस वीडियो में करेंगे। आपको पता है कि एक बार एक भले संत, संत पीटर जब इस संसार में रहा करते थे और उपदेश देते हुए भ्रमण करते रहते थे, तो वे एक महिला के पास पहुंचे जो खाना पका रही थी। वही कहानी है। तो पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए जब वे महिला के पास पहुंचे, आइए देखें। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज। कॉटेज मीन्स कुटिया, डोर मीन्स दरवाज़ा। तो ही आया है सेंट पीटर, संत पीटर के लिए, भले संत पीटर के लिए। आप हैं संत पीटर। तो ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज। पृथ्वी पर भ्रमण हुए वे एक कुटिया के दरवाजे पर आए, द्वार पर आए। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, ट्रेवलिंग यात्रा करते, राउंड द अर्थ भ्रमण, पृथ्वी का चक्कर लगाते, घूमते घूमते एक कुटिया के दरवाजे पर आए। वेयर अ लिटिल वुमेन वाज मेकिंग केक्स, जहाँ एक छोटी कद की महिला, स्त्री, केक बना रही थी, रोटी बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हाफ, हाफ मीन्स भट्टी, चूल्हा, और उन्हें अंगीठी में, भट्टी में सेक रही थी। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, और फास्ट रखने के कारण, भूखे होने के कारण, उपवास होने के कारण फेंट कमज़ोर हो गए थे। तो व्रत रखने के कारण, कमज़ोर होने के कारण, फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि दिन लगभग समाप्त हो चला था। डे वॉज ऑलमोस्ट डन, डन मीन्स फिनिश, पूरा होने को था, बीतने को था। तो जब उसके पास पहुंचे तो ही आस डहर, उन्होंने उससे मांगा। फ्रॉम द स्टोर ऑफ केक्स, रोटियों के स्टोर में से, रोटियों के भंडार में से मांगा, एक रोटी मांगा। टू गिव हिम अ सिंगल वन, तो रोटियों के भंडार में से एक रोटी देने को कहा उसने, संत पीटर ने। He asked her from her store of cakes, तो संत पीटर ने उसके रोटियों के भंडार में से, to give him a single one, एक रोटी देने को कहा। So she made a very little cake, इसलिए उसने एक बहुत छोटा सा केक बनाया, छोटी सी रोटी बनाई। बट एज इट बेकिंगले, लेकिन जब यह सीख रही थी, बेकिंगले ले मिस पड़ी थी सीखने के लिए, पकने के लिए, बेकिंग के लिए पड़ी थी, तो शी लुक्ड एट इट, उस महिला ने इस रोटी को देखा। And thought it seemed, देखा,
और सोचा, इट सीम्ड ऐसा लगा टू लार्ज टू गिव अवे। तो उसे उसने उस महिला ने इसे इस रोटी को देखा और सोचा कि देने के हिसाब से ये बहुत बड़ी है, टू लार्ज टू गिव अवे, इतनी बड़ी है कि इसको दिया नहीं जा सकता, देने लायक नहीं है, ऐसा सोचा। एंड देयरफॉर शी नीडेड अनदर, नीडेड मींस आटा गूंथना, और इसलिए उसने अनदर दोबारा आटा गूंथा, नीडेड आटा गूंथना। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और ये पहले से भी अधिक छोटा थोड़ा सा आटा लिया, बट इट लुक्ड, लेकिन यह रोटी दिखाई दी। व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, जब उसने इसे पलटा तवे पर तो दिखाई दिया कितना, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, उतना ही बड़ी दिखाई दी जितना कि पहले वाला बन चुका था। कुल मिलाकर ये महिला देना नहीं चाह रही है, इसलिए उसको ये रोटी बड़ी दिख रही है। और उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।